आज है 14 तारीख, 14 नवंबर बच्चों का जन्म, ये जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन, और आज मनाया जाता है बाल दिवस के रूप में। पहले क्या होता था, बच्चे छोटे थे ना, जब स्कूल में पढ़ते थे, हम उनको बाल भवन में 2 महीने छुट्टियों में डाल दिया था। 2-3 बार ही गए थे, वहाँ से बस से बन के चलती थी, वो घर तक छोड़ के जाती थी, बड़ा मज़ा आता था। तब मैं भी जाया करती थी बाल भवन। तो अब जो है ना, आज मैंने क्या निकाला है, देखो नीचे सामान निकाला, भी डालने लगी हूँ, ठीक है। मैं कहा ये थोड़ा थोड़ा और एक चीज़ और निकालूंगी अभी, उसको निकालते निकालते एक चीज़ निकालो ना तो ऐसे बहुत सारे काम नज़र आ जाते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या करने वाली हूँ। बखारे भून के रखे मैंने कनिका के लिए, इसमें मैंने ना वो रखे हैं, एक मिनट दिखाती हूँ, वाइट चने। मैंने सोचा आज रात को वाइट चने बनाते हैं, तो इसमें कुकर में मैंने धो के, अभी मैं निकाल नहीं दी इसको, 2-3 बारी पानी से धो के इसमें साफ वाला पानी डाल के थोड़ा नमक डाल के रख दिया, ताकि और थोड़ा सा ना गर्म पानी, मतलब इसको हल्का सा पानी को गर्म कर लिया ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए, फिर ताकि थोड़े घंटे बाद मैं इसको उबलने के लिए रखूँगी। और मैं खा रही थी ये, ठीक है। और चलो काम कर लेते हैं, पहले ये वाला काम कर लेते हैं, पहले ये डालना है सामान। चलिए डाल लेते हैं सामान, काम कर लेते हैं। पता है एक एक काम निकालो ना, बहुत सारे काम दिख जाते हैं। एक चीज़ करने लगी थी तो फिर ये मैंने कहा, वो ना मैंने, मेरे पास चने का मसाला था, आज मैंने सब्जी में डाला था, आज मैंने बनाई थी आलू वाली सब्जी, कौन सी, आलू गोभी, तो फिर मैंने वो चना मसाला डाला तो अच्छा ही लग रहा था। फिर मैंने सोचा मैं ना क्या करती हूँ, मेरे पास 2 तरह के मसाले हैं जो मैं प्रगति बनाने लगी थी, तो दोनों डिब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास वो किचन किंग और वो चना मसाला, ये सब जो मसाले हैं ना, मेरे को लग रहा है ख़त्म हो गए। मेरे पास नॉर्मल मसाले हैं घर में, मतलब जैसे नमक मिर्च मसाला वगैरह हो गया, और ये धनिया पाउडर, और ये क्या कहते हैं गरम मसाला, ये सब तो है, मतलब वो जो अलग से मसाले होते थे ना वो ख़त्म हो गए। तो मैं सोची इसको शुरू कर लेती हूँ, चलो इसको डिब्बे का ढक्कन बंद करते हैं। मैं रबड़ ढूंढ रही थी, चलो ये तो काम हो गया। ये एक लड्डू देख लेती हूँ कितने रह गए अभी तक, देखो ये लड्डू पड़े हुए है ना, और ये थोड़े से छोले चने भुने हुए, ये भी डिब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग खाते रहते हैं ना, वो डिब्बा थोड़ा सा वो हो जाता है। मतलब ये देखो इतने से ये पड़े, और ये क्या पड़ा है, ये वो है अखरोट, ठीक है, ये अखरोट है। ये सब कुछ सामान मैं डिब्बे में डाल लेती हूँ पहले। ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ा थोड़ा सामान डालना शुरू करते हैं ना तो बहुत सारा सामान दिखता है कि और डालना। अभी मैं अलमारी में से लेकर आई हूँ, इसमें मिश्री और डब्बा खाली पड़ा है मिश्री का। ये बिस्किट लेकर आए, मेरे यहाँ बिस्कुट खत्म हो गए थे, ये वाले निकाले बिस्कुट, एक ये वाले, ये डिब्बे में डाल रख देती हूँ दोनों के दोनों बिस्कुट, ये वाले, ठीक है। अभी बिस्कुट खत्म हो गए थे मेरे, और ये नमकीन डालना था सर में, ये नमकीन डालना था, देखो डब्बा खाली हो रखा है, ये देखो है ना। नमकीन मेरा दही में भी यूज़ होता है, और दही जो है नमकीन मेरा सैंडविच में भी यूज़ होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं मतलब, पर दही में तो यूज़ करती हूँ मैं, और बूंदी भी यूज़ करती हूँ, बूंदी भी खत्म हो गई है, मैं भूल गई। अच्छा वाह, देखा अभी मैंने मसाला निकाला नहीं, जिसके लिए शुरू किया था वो तो निकाला ही नहीं अभी, अभी वो भी निकालती हूँ। पहले सारा सामान डाल देते हैं, मखाने खा लेते हैं, वो खाली होगी कढ़ाई, और हस्बैंड खा रहे हैं अपना अमरूद, ये तो खा भी लिया इन्होंने, अमरूद काट के इन्होंने खाया, और ये खा रहे मखाने। ये देखिए व्यूअर्स, मिश्री मैंने डाल दी है डिब्बे में, सारा सामान डाल ही गया, बस अभी कुछ और निकालना है। अभी देखो मिश्री कितनी मोटी मोटी होती है ना, तो मैं इसके साथ कूट रही हूँ, उसके फिर डालूंगी छोटा छोटा करके, क्योंकि फिर यूज़ करते तो बहुत दिक्कत हो जाती है, छोटे टुकड़ों में काट के डालना। हाँ ये छोटे टुकड़ों में कट रही है ना, मुझे प्लेट रखी हुई है मैं, हो गए इतना टुकड़ा यूज़ हो जाएगा, फिर बड़े बड़े टुकड़े ना यूज़ नहीं हो पाते, उस समय बड़ी दिक्कत होती है। ये मैंने कर लिया काम, अब मैं इसको डिब्बे में डाल देती हूँ मसाले में, बाकी सामान डाली क्या, मेरे 2 मसाले रह गए डालने वाले है ना। अरे एक करते करते ना बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है कि डालने डिब्बे में, तो दिक्कत है, अब डाल लो सारी एक साथ, काम ख़त्म कर लो। चलो हेलो व्यूअर्स, ये देखो और सामान निकल गया डालने वाला, ये बीज भी ख़त्म हो रहे हैं, डाल देती हूँ। ये मेरे ख्याल से इसमें दलिया लग रहा है, ये बेसन लग रहा है, ये भी डाल देती हूँ डिब्बों में। मैं ये मसाला कह रही थी आपको, ये मसाला मैं स्टार्ट करती हूँ, इसमें ये लिखा हुआ है, ये मैं लेकर आई थी ना प्रगति में नाम से, चना दाल मसाला, आज मैंने उसमें डाला था सब्जी में, आलू गोभी की सब्जी में, तो पता भी नहीं लगा और अच्छा भी लग रहा था, तो इस तरह यूज़ भी हो जाएगा। अब यूज़ कैसे करेंगे इसको, ले तो आई, ये है मिंट पफ वाला, अब ये पता नहीं का टेस्ट कैसा है, इसको भी एक डिब्बे में डाल देती हूँ, सामने पड़ा होगा तो कहीं ना कहीं यूज़ कर लूँगी, नहीं तो ये पड़ा पड़ा फिर एक्सपायर ही हो जाएगा। अंदर देखो कितने सारे इसके अंदर पैकेट हैं, इतने सारे, ये दोनों चीज़ें मैं लास्ट मोमेंट में जब वो ख़त्म हो रहा था फ्री में ही मिल गए थे दोनों के दोनों, नहीं तो पता है क्या कर रहे होंगे, एक एक पैकेट बेच रहे होंगे इस तरह से, ठीक
ठीक है, सैंपल के तौर पे एक एक पैकेट बेच रहे होंगे, पता नहीं कैसे बेचा होगा, क्या करा होगा, छोड़ो। एक नमकीन वाला है और एक वो वाला मिंट वाला है, मिंट फ्लेवर वाला, तो मैंने ये डाल लेती हूँ। ठीक है, दोनों डिब्बों में यही कह रही थी मैं। ये देखिए व्यूअर्स, आज कनिका ने किया बहुत सारा काम, पता है क्या क्या किया है मैं बताती हूँ आपको। एक तो ये चादर चेंज हुई है, कनिका ने करी है, ये सारा डस्टिंग करी है इधर उधर, वो जो सामान पड़ा है उसकी भी डस्टिंग करी है इसने, जो ऊपर ऊपर सामान लगा है इसकी भी कर रही थी डस्टिंग, मैंने देखा था, मैंने कहा करनी है तो पूरी ढंग से ही कर ले। ठीक है, तो इसने काम करा और एक काम और अच्छा किया है, यहाँ पर रजाई वगैरह पड़ी थी, रजाई को ना क्या करा इसने, मैंने धूप भी लगवा दी थी और डंडों से पिटवा भी दिया था रजाई को, पर उस वो देखने में फिर भी गंदी सी लग रही थी, पता नहीं साफ़ नहीं लग रही थी। इसने क्या करा, उस रजाई को वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया आज, और उसके बाद उसका कवर चढ़ाया, फिर इसका ये जो कंबल है, ये दो कंबल है ना नीचे, इनके कवर चढ़ाए, ये धुले हुए थे कंबल के, कवर भी धुले हुए थे, कंबल भी धुले हुए थे, तो ये कवर भी चढ़ा दिए। मैंने कहा सर्दी आ रही है ना, आजकल कंबल यूज़ करते हम तो फिर मैले हो जाएंगे, अब कवर के, कवर जो होता है ना चढ़ा लो तो अच्छा रहता है, क्योंकि कवर जो है ना धुल जाएगा, अब कंबल भी फिर धोना पड़ता, नहीं तो अगर कंबल पर कवर ना चढ़ाओ। तो आज इसने ये वाला अच्छा काम किया है, ये जो इसने कंबल पे कवर चढ़ा, जो फालतू छे दो तकिए थे और एक वो था रजाई थी वो रख दी इसने, इसने बेड के अंदर पापा को साथ लगाया, काम करा इसने, नहा धो के आई अब। ठीक है, अब नहा धो के आई, थोड़ी देर में जिम जाएगी, तो आज बेचारी ने पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी है, कर नहीं पाई आज। चलो ये वाला काम तो अच्छा किया इसने आज। हाँ तो क्या करूँ फिर, ये देखो टैची उठाया जा रहा है, इतना भारी टैची है मेरा ये वाला, जोर लगा के हैया करो, यहाँ रखना है, अबे यहाँ पे रख देना, सारा सामान उठा के रख दिया इधर। ठीक है, अब मैंने सोचा कि मेरे को कवर इसका बदलना है ना, तो मैं इसी टैची में मेरे सर्दियों के कपड़े वो निकाल लूँगी, गर्मियों का रख दूँगी, और टैची उठाया ही जा रहा है तो मैं फायदे उठा लूँगी, उठा के जा, बड़ा भारी है लोहे का ट्रंक को, अरे ध्यान से, बस बस यार, तो मंजी पे रखो, जल्दी से मंजी पे रखो, मंजी पे रखो, सीधा कर दे, पूरे गद्दे कर दे, अरे बस बड़ी मुश्किल से काम खत्म हुआ, सारा सामान डाल दिया, देखो पट्टे अभी गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा, पर सारा सामान डल गया है और चने उबल गए हैं, अभी मैं तड़का काटती हूँ, इससे पहले मैं मखाने खा रही थी और लस्सी पीने लगी हूँ, साथी ने बोला आज अगर लस्सी नहीं पी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं ना क्या सोचती हूँ बाद में पीऊँगी, ये लोग तो फ़ौरन पी लेते हैं, मेरी पड़ी हुई थी, मैं कहा चल पी लेती हूँ आज मैं। ठीक है, और मैं उसके बाद फिर अब काटती हूँ तड़का, बनाते हैं चने, वाइट चने बनाते हैं और साथ में चावल बनाते हैं। लीजिए हमारा खाना तैयार है, हमारे चने तैयार हैं, देखिए कनिका खा गई है कटोरी भर के, अभी गई है कहीं बाहर काम से, कह रही आके खाना खाएगी, और चावल भी तैयार है, ये देखिएगा गर्मा गर्म चावल बनी, इधर मेरा ये भी तैयार है, फूड चाट भी तैयार है, इसमें भी चाट मसाला डालना है बस, और कुछ नहीं डालना, तो खाना मेरा सारा तैयार है और मैं खाने लगी हूँ खाना, ये जग जग निकाला है, इसको धोना है अभी, तो चलो मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ और नए मूड के साथ, नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा, अगर बेल आएगी बेल को दबाइएगा, ब्लैक बेल को आएगी तो उसको दबा दीजिएगा, तो उस तरह हो जाएगा चैनल सब्सक्राइब, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल आपसे। We'll be right back.